गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी मीनू सिंह। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जो न्यू मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा और मेरी न्यू अपडेट के साथ आप लोग कनेक्ट रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ अपनी रेसिपी, वो है मेरी घेवर की। और ये रक्षाबंधन के लिए मैंने खास तौर पे आपके लिए बनाई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है हम लोगों को वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मुझे आप सबकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो न्यू फ्रेंड्स मेरे से जुड़े हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिएगा। तो चलो, रेसिपी ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। चलते हैं किचन में, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स लोग। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो ये हमारा घेवर बहुत ही लुकिंग सो यम्मी और बहुत ही टेस्टी, इजी टू मेक रेसिपी है। और प्लीज़ गाइस, वीडियो पूरी एंड तक देखना, तभी आपको ये समझ में आएगी कि मैंने किस तरह से घेवर बनाया है। बहुत ही इजी वे से मैंने आपको बनाना सिखाया है इस वीडियो में। तो इसके लिए जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले लूँगी एक कढ़ाई और पहले हम घेवर के लिए ना शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो शुगर सिरप हम सबसे पहले बना के रख लेंगे साइड में। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिया है शुगर, तो उसमें 2 कप ही मैं डाल दूँगी इसमें वाटर। तो यानी 2 कप चीनी है, तो 2 कप ही हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसका हम ना चाशनी तैयार करेंगे, यानी शुगर सिरप को हम तैयार करेंगे। तो मेल्ट होने तक इसको गैस पर इस तरह से पकाएंगे। इसी टाइम मैं इसमें डाल दूँगी इलायची, तो थोड़ी सी इलायची इसमें डाल देंगे। अभी इस टाइम हम इलायची डालेंगे तो इलायची का सारा फ्लेवर हमारा ना शुगर सिरप में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा जो है ना इससे हमारी चाशनी भी जो है ना टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट में ही हमारी जो है ना शुगर सिरप बन के रेडी है। यहाँ पर जो है ना हमें से एक तरह की चाशनी नहीं बनानी, सिंपल चाशनी बनानी है जैसे गुलाब जामुन की होती है बस। और अब हमने दूसरे पैन पे रख दिया है दूध को बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना दूध ले लिया है, ठीक है, तो 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है, मिल्क लिया है और अब मैं इसको पकाऊंगी और इसको वॉइल सिम गैस पर ही इसको चलाते हुए जो मलाई है ना साइड साइड में जो लगती है उसको आप इस तरह से बीच में डालते हुए इसको ना चलाते हुए आप जो है ना गाढ़ा होने के लिए दूध को छोड़ दें और बीच बीच में चलाते जरूर हैं, नहीं तो आपका जो है ना दूध जो है ना नीचे तवे पे लग जाएगा और तले में जो है वो जलने लगेगा। इसको इस तरह से चलाते हुए दूध को गाढ़ा कीजिए। तो ये हमारी जो है ना घेवर के लिए रबड़ी तैयार हो जाएगी, मलाई हम इस तरह से बनाएंगे। जब हमारा दूध जो है ना एकदम गाढ़ा हो जाएगा, मलाई के फॉर्म में आ जाएगा, तो उस टाइम हम इसमें डाल देंगे 2 स्पून शुगर। खाली 2 चम्मच ही हम चीनी इसमें ऐड करेंगे और बस यहाँ पर जो है ना हमारी रबड़ी भी एकदम रेडी है और इसमें थोड़ी सी इलायची और मिला देंगे। 1 पिंच के करीब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ते और बादाम डाले हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छे लगे वो डालिएगा। वहाँ पर हमारी रबड़ी तैयार है। अब हम तैयार करेंगे घेवर के लिए। तो घेवर बनाने के लिए हमने बड़ी सी एक थाली ली है और उसमें मैं डालूँगी 1/2 कप देसी घी, तो थोड़ा सा ये मेल्ट हो गया है घी। और इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे, ठीक है, तो कुछ आइस क्यूब डाल के अब हम इसको ना इस तरह से घी को ना मिला के और हाथ से जो है ना इसको जो हमारा घी है ना उसको हम ना क्रीम फॉर्म में लाएंगे। तो आइस क्यूब से क्या होगा ना कि क्रीम हमारा जो ठंडा होके ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, मतलब जो है ना क्रीम हम जो लाते हैं लाना चाहते हैं ना इसमें क्रीम फॉर्म वो उसमें आ जाएगा। आप देख लीजिएगा इस तरह से आप इसको मिलाएं घी को। सारे घी को साइड से जो भी निकाल के इसको बीच में रखते हुए इस तरह से फिंगर की सहायता से घी को फेंटेंगे। मैंने घेवर जो है ना मिक्सी में भी बना के दिखाया, तो उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी
मैंने दो तरीके घेवर और भी बनाए हैं, उन सबकी लिंक मैं शेयर करूँगी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो देख लीजिए हमारे जो है ना घी एकदम क्रीम जैसा बन गया है, देखो एकदम क्रीम फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो आइस क्यूब हमारे बचे हुए ना वो सब हम एक निकाल देंगे, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको साइड में कर देंगे, ठीक है। और देखो घी हमारा अच्छे से क्रीम हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप मैदा डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के हम इसको मिलाएंगे। तो याद रखिए 2 कप मैदा लिया है मैंने, और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाएंगे, घी के अंदर मैदे को मिक्स करेंगे। जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे ही बनाते जाइएगा, इसी मेथड से आप बनाओगे तो आपका घेवर एकदम एवन बनेगा, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा। इसी तरह से मिलाते जाइए और चलाते जाइए हाथ से। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे ना, ज़्यादा थिक हो जाए मैदा, तो आप इसमें थोड़ा सा ठंडा वाटर डाल देना, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दोगे तो ये अच्छे से मेल्ट होने, मतलब हाथ से मिल जाएगा मैदा, क्योंकि ये हमें आटे का डो नहीं बनाना है, ठीक है। इसको गाढ़ा हमें रखना है, फिर हम इसको लिक्विड करेंगे बाद में। इस टाइम मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था और इसको मैं मिलाऊंगी इस तरह से। इसके अंदर जो गांठें होनी होती है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ठंडा वाटर, आप देख लीजिए इसमें मैंने ना पानी में आइस क्यूब भी डाले जिससे कि थोड़ा ठंडा ही रहे। और तो इसको डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के इसको आप अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि जो मैदे के अंदर जो लम्स होते हैं ना वो सब हम इसको मिला लेंगे। एक भी गांठ है या जो लम्स होते हैं ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और फेंटते हुए जाएंगे, जल्दी जल्दी फेंटेंगे इसको। और अब इस बैटर को हम एक बाउल में डाल देंगे, क्योंकि अब हम इसको ना और भी लिक्विड करेंगे, ठीक है। सारा जो ना मैदा हमने एक बाउल में डाल दिया है, और अब हम इसमें 1 लीटर पानी और डालेंगे। तो देख लें मैंने एक बोतल में ले लिया है ठंडा पानी, तो ये 1 लीटर है। तो आपके इतने मैदे में ना 1 लीटर 1.5 लीटर पानी आपका चला जाएगा। तो आप देख लीजिएगा क्या जो है ना इसका जो है ना हमें बैटर जो है ना एकदम पतला बनाना है। आप देख लें इस तरह का आपको बैटर तैयार कर लेना है, क्योंकि जितना पतला करोगे उतना ही आपका घेवर जो है ना अच्छा और दानेदार बनेगा। गाढ़ा नहीं रखना है, वरना आपका जो है ना तले में चिपक जाएगा। आप जैसे जब इसको घेवर बनाओगे ना उस टाइम ऑयल के बीच में ये जो है ना जमने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नींबू का रस, तो नींबू का रस डालने से ये और भी दानेदार बनेगा घेवर, तो इसको ज़रूर डालिएगा। अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने जो है ना रख दिया है अपना तेल गर्म होने के लिए। जब हमारा तेल एकदम बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा उस टाइम ही हम घेवर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठंडे तेल में नहीं बनाना, ये एकदम गर्म तेल में बनाना है। तो एकदम गर्म तेल में बनाओगे तभी आपका जो घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा। और बीच में इस तरह से आप एक धार के बना के और मैदे का इसमें डालोगे बैटर को, और बीचों बीच में डालते हुए इसको ऊपर खींच के वो जाना, नीचे से नहीं एकदम से छोड़ना है, वरना आपका जो नीचे लग जाएगा मैदा और वो इस तरह से नहीं बनेगा घेवर फिर। और बीच में इस तरह से चलाते जाइएगा, जगह देना बीच में स्पेस देते हुए, क्योंकि और भी बैटर हम इसमें डालते रहेंगे तो उसको स्पेस चाहिए थोड़ा सा बीच में, और ये अपने आप ही साइड में होता चला जाएगा।
जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे ही बनाइएगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट घीवर बन के तैयार होगा। और थोड़ा थोड़ा डालना है बैटर, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि एक बार में ज़्यादा डाल दो, एक बार में ज़्यादा डालोगे तो आपका घीवर जो है ना बिगड़ जाएगा, नहीं बनेगा ठीक से। तो बस इस तरह से आप फिर इसको ना साइड में करते जाएं। घीवर बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट घीवर बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। आप इसको घर में बनाएं, बहुत ही इजी वे है और कोई ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात है ही नहीं। और आप देख लीजिएगा धीरे धीरे ये हमारा जो है घीवर अच्छे से हम इसको सेकेंगे, तो साइड साइड से थोड़ा सा इस तरह से करते हुए इसको हम अच्छे से पूरा इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे ऑयल में। और निकाल लेंगे, हमारा घेवर अच्छे से सेक चुका है, आप देख लें एकदम दानेदार परफेक्ट घेवर हमारा बन गया है। इस तरह से बनाएं। और याद रखें इसमें ऑयल जो है ना आपको ज़्यादा नहीं रखना, जो आप जिस पतीली में आप बनाओगे ना घेवर उसमें ऑयल की मात्रा कम होनी चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऊपर तक उसको भर दोगे ना तो वो जैसे आप डालोगे बैटर तो ऊपर आएगा ऑयल, झाग ऊपर आएंगे आप, इससे आपको खतरा बढ़ जाएगा, आप जल भी सकते हो। तो ऑयल की मात्रा आप कम ही रखें उसमें, चाहे बाद में आप और भी डाल के उसको गर्म कर लें, बट जब बनाते समय थोड़ा ऑयल कम ही रखें। ये देखो हमारा परफेक्ट घेवर एकदम रेडी हो चुका है गाइस। इसी तरह से आप बनाइए, सेम मैटर से बनाओगे तो आपका घेवर एकदम A1 बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। इसी तरह से हमें सारे अपने घेवर बना लूँगी, तो आप भी इस तरह से सारे घेवर बना लें। और ये तैयार है हमारे घेवर जो है ना। अब हम इसको ना ऊपर से जो ना जो हमने दूध की मलाई जो रबड़ी बनाई थी अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें इसके ऊपर चाशनी सिरप, जो हमने शुगर सिरप बनाया ना वो शुगर सिरप इसमें डालेंगे। तो मीठा यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, कमियाँ ज़्यादा। तो शुगर सिरप डाल देंगे इसके ऊपर घेवर के ऊपर, मेरी और भी वीडियो है घेवर की वो मैं लिंक शेयर करूंगी, तो प्लीज़ गाइस वहां से भी उन वीडियो को देख लेना और उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब हमने जो दूध की रबड़ी बनाई है ना वो इसके ऊपर लगाएंगे। ये अपने मन से बनाइएगा जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब अगर आप इसको ऐसे ही शुगर सिरप के साथ खाना चाहते हो घेवर को तो वैसे ही खा लीजिए, और अगर रबड़ी के साथ खाना चाहते हो तो इसको रबड़ी के साथ खाइए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको रख सकते हो। और ये तैयार है, अब हमने एक प्लेट में रखा है और इसको अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ इसको डेकोरेट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने काजू बादाम पिस्ते और चेरी भी ली है, तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं अपना घेवर सजा दूंगी और ये बहुत ही देखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो गाइज मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ भी। तो मेरी बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो की, जैसे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप मेरी वीडियो के साथ हमेशा कनेक्ट रहें उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। इन्जॉय कीजिए मेरे घेवर के साथ।